तो आधा महीना बीत चुका है और आधा रह गया है। अब हम लोग को पता है कि सूरीनाम में तो एस्ट बजेंडिंग फॉन डेजन अस्त्रा जनीका फक्स है, जो सूरीनाम में बैरबीजे से आया है। तो अभी ये फैक्सीनेर नहीं किया जाएगा, सूरीनाम इंतजार कर रहा है। वी हा ओ जब यहाँ पर आएगा और वो इसके बारे में कंट्रोल करेगा और ये हमारा देश के लिए अगर ठीक रहेगा तब इजाजत होगा। तो सूरीनाम इंटेंशन वॉक सूरीनाम ऑफ द ईस्ट बजेंडिंग फ्रॉम रोम 15,000 फक्स एट द निखरेंसी 4,300 फ्रॉम द कोफक्स। ये हम लोग को भी मिल रहा है भाई जी, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और अभी फैक्सीनेर के बातचीत नहीं होता है जब तक वी हा ओ तुस्तनिंग नहीं देगा। हम लोग आगे चल करके पता चला है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है ओवर सेक्सुअल मोलेस्ट, ये मामला इसे है भाई जी कि 5 और खानी 7 सी मेस्टर विल्फिंग स्ट्रात में बॉट लेकर के, और ये आक्षी की है। काहे की आक्षी की है वो भी बहुत जरूरी बताने के लिए। देखो ये आक्षी इसलिए किया गया है कि एक बच्ची यंग दामा 13 की जब थी तो उन्हें ट्रेनर जो है रॉबिनहुड का उन्हें बलात्कार की है। स्मेल्स के कहना है कि फरवरी 2018 से मुकदमा भी चल रहा है और फुटबॉल ट्रेनर अभी घूम रहे हैं आजादी तौर पर। 14 साल के बच्ची का जिंदगी तबाह हो चुकी है, तो इसी कारण से वो लोग ने प्रोटेस्ट की है। भाई जी पुलिस की जितने गाड़ी है ये पंप स्टेशन रॉय बुद्धू वहां पर टैंक करता था। Politie voertuigen gingen de afgelopen periode bij de pompstation van Roy Boudou om bij te tanken. Lekin kal se ye rok diya gaya hai. Kal se sipahi ke gaadi Roy Boudou jahan par log tank karta tha wahan par rok diya gaya hai. Isi karan se kal se Hoofdbureau van het Korps Politie Suriname, Duitsburg-Laanse, had het politievoertuig 350 SRD kal diya jata tha ki wo log ja karke chahe jo service station hai wahan tank karke aur wo bomb la karke wahan dene ke liye. Politie geeft 350 SRD per dieselauto voorbij tanken. Kyunki Roy Boudou jahan hamesha log tel wahan bharte the, bhare hai, Roy Boudou wahan band kar diya hai. Ab dekho bhai, jo koi baat hua hoga na, are jab tel tank karo, paisa na bhariyo, to yahi hal hoi, kuch baat hai aise. Nikeli mein bhaiya, sipahi ne ek aadmi ko giraftar karne ke liye gaya. KM 61 बस वो भैया कटलीस ले करके और सिपाही के गाड़ी के आईना फोक गाड़ी से निकेली में KM 61 कुछ किया है तो सिपाही इन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके मकान पर गया। पुलिस वाहन खड़ा था दाम पर, भैया KM 61 28 भैया कटलीस और जा करके सिपाही के आगे का राइट फोड़ फाट गाड़ी से और कुछ नुकसानी और किया है। सिपाही उन्हें गिरफ्तार किया और ले जा करके बंद की है। प्यारे जनता, ये शेरफेन के मामला शेरफेन एनफी कितनी हंगामा। तो अब फरखादरी में आज फैसला हुआ है कि अगले हफ्ता
हर एक प्रत्यय को जो ओपोजिशन में है या कोलिसी में है, उन लोगों को मौका मिलेगा सवाल करने के लिए सिर्फ एन एनपी के बारे में। अब पार्लियामेंट में गुफ्तगू की जाएगी अगले हफ्ता, ये बात ऐसे खबर हुआ है। डैनियल फेरा जो फेला खेसदीस का जो अगवाकार थी, कल वो फांदल जो है फांदल कल बुधवार को नई लोग के हवाले करने जा रही है। फांदल कल लोगों के हवाले करेगा ए व मीमी, दूसरा है कल का जी, ये दोनों के हवाले करेगा। ये लोग एक इंटरिम बस्तीर है और डैनियल फेरा वो जो अभी तक फेरा खैसदीस का डायरेक्टर थी, अब वो फांदल वहां के कल ओफर द्राक करेगा दो नई लोगों को। तो ये बात मुझे पता चला आपको बताने के लिए। एक औरत पर हमला हुआ भाई जी, बेचारी के ऊपर हमला किया, उसका मुंह फोड़ फाड़ डाली से डाकू ने, 40,000 नगद पैसा सोना गहना सब छीन करके भाग गया। ये क्वार्टर में जाकर के ये औरत अब लालिश की है, गहना होना सब छीन छान के भगा है। देखो भाई जी, जो श्रीतिवासी अकादमी से है इसके था नॉर्मलाइज़ हो गया है, जिक्र है इसके बात हम कर रहे हैं। अकादमी सिकन है इसका डायरेक्टर क्लौडिया मारिका रेदान कहते कि दो हफ्ता पहले जिकन है इसमें बस मैटिंगन यानी लोग ने देखी, यानी उसके बारे में जिक्र हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे वो मामला हल हो चुका है, मतलब कि सिचुएशन नॉर्मलाइज़ हो चुका है। इतवार के रात्रि को वेजन बॉस ब्रोकी पर एक मार्क एक्स गाड़ी बीच बीच में खड़ा है। प्यारे भाइयों, इतवार के रात्रि को वेजन बॉस ब्रोकी के बीच बीच में एक मार्क एक्स गाड़ी खड़ा है। यह गाड़ी खुला है और यह गाड़ी जहां तक पता है पेई विशाल के नाम पर है, पेई विशाल। अब सवाल तो यही भाई जी कि लॉकडाउन के समय बीच रात्रि में एक गाड़ी बॉश ब्रोकी पर खड़ा है, गाड़ी में नाम भी है पेई विशाल मार्क एक्स, ये गाड़ी वहां खड़ा है, वहां कोई नहीं है और पता नहीं है कि विशाल पे क्या किया है, क्योंकि जब वो गाड़ी में ना है तो कहां है, गाड़ी छोड़ करके कहीं चला गया या वही जो गलत काम लोग करते गया है जो अभी हम बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन वेल्जियम बॉस ब्रोकी पर जब बीच बीच में एक गाड़ी खड़ा है भाई जी, गाड़ी खुला है, नाम भी पता है पेई विशाल मार्क एक्स, तो कुछ गड़बड़ दिखाता भाई जी। अभी हम कुछ बोल नहीं पाते कि रीवा में कोई कूदा है या वगैरह वगैरह, बात अभी इसके बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन वहां गाड़ी खड़ा है और बीच बीच में खड़ा है, लॉकडाउन के समय खड़ा है और ये आदमी लापता है। सिपाही ये बात आगे पहुंचे सुख करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्क एक्स वहां पर ब्रोकी पर बीच बीच में खड़ा है और आदमी का पता नहीं है। ए भैया जी, बेस्ट होल्डर्स एंड बेस्ट शोफर्स, ये लोग का विचार है पेटिटी जाकर के फीस प्रेसिडेंट को देने के लिए। ऑन द फ्रेज बेस्ट होल्डर्स एंड बेस्ट शोफर्स, इसी हफ्ता में ये लोग ने फीस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रेंसवेक को जाकर के पेटिटी देने वाला है। ये लोग ने काफी नाराज है। प्यारे भाइयों, ये एक ग्रुप ऑन फ्रीज बेस्ट होल्डर्स है, ये लोग पार्टिकुलर लैंड बेस्ट होल्डर्स के साथ काम नहीं करना चाहता है।
De bushouders zeggen geen vertrouwen te hebben in de particuliere lijnbusorganisatie PLO. Omdat die niet opkomt voor de sector. Isikaren zei, kuch ontevreden. De bushouders kafi jo naraz hai. Bushouders als chauffeurs. Isi hapta mein petitie tayyar karke vice-president Brunswijk ko ja karke dega. Dekho ki ye log kya chahte hain. Maureen Dayala, rechter. Inke saamne buschauffeur Alexander O, 37 jaar khada hai. Bhai ji, het gaat om een 12-jarige meisje, jo is buschauffeur ko school unko le jana chahiye tha, unka dekhbhal karna chahiye tha. Ye bachchi ko, 12 saal ke bachchi ko 4 martaba rape kiya ye chauffeur ne. Vier keren, लड़कियां कहती है कि फिर केरन हेव थे खदान. प्यारे प्यारे जनता, अलेक्सेंडर को मौरी दयाला रेक्टर कल 3 साल का सजा सुना दी है. 3 यार सेल स्ट्राफ फॉर हैड बिड्राइवन फॉर सेक्स मेट एन 12 यार का मेशर. ये बहुत अफसोस की बात है. न जाने के विश्वास करियो काकी, न जाने के अब विश्वास करे. एक शोफेर जिस पर लोग ने विश्वास किया कि लड़कों को स्कूल ले जाया, स्कूल से घर ले जाएगा, ये बच्ची को 4 मर्तबा जाकर के रेप की है. अब देखो जेल में गया है तो बोले है एक हैव फौत खमाक एंड हैव स्पेरिट से अलेक्सेंडर है. लेकिन क्या नहीं जानते हैं कि सब लोग ने लड़का लड़की को बाप जान करके तुम्हारे हवाले करता है और तू जा करके उन्हें बलात्कार करते हैं. चलेंगे भाई जी, एक दो मोटर गाड़ी अपने टकराया है. अब जो क्रॉसिंग फॉर कोरस ब्यूरक एंड डनबार हेट, ये कंडाल में घुस गया बप्पा, कंडाल में घुस गया. कुछ नहीं हुआ है लेकिन दोनों गाड़ी छिटरा गया है. सिपाही दोनों गाड़ी बसलाख में ले लिया है. बाप और बेटवा दोनों भैया सरमक्का में एक फुटबॉल फील्ड वहां पर डाका डालने के लिए गया. वहां मकान है, तरेन है, ऐसे स्टाफ को खा रहा है. और जब लोग को पता चला कि वहां का हल्ला दंगा होता है तो देखने के लिए गया. वहां पहुंचते क्या देखे हैं, भागने लगा बाप बेटा. जहाज रेस टॉयलेट पोटन आंद्र स्पेर क्लार खलेक्ट ओम बेट नहीं मन. अब देखो सिपाही बप्पा के अब बेटा वो को गिरफ्तार कर लिया है. ये वहां धर चुके थे ले जाने के लिए, डाका चोरी करने के लिए दोनों गया था वहां. डे एम 18 साल के बच्ची. अब ये एक संहतिया इनके है, एक फ्रिंच. तो फ्रिंचवा के साथ रहते रहते तो अब पता चला कि ये फ्रिंचवा एक फ्रिंदेन के साथ और है. अब यही तो बात बिगड़ेगा मौसी, यही बिगड़ेगा. डे एम 18 यार, जब इन्हें पता चला कि इनका फ्रिंच एक दूसरा औरत के साथ संबंध है और ये फ्रिंज ने इस औरत से, ये फ्रिंजन से कभी नहीं बताया था, तो क्या किया डीएम 18 यार का डीएम? ये कोई समय एक सेक्स फिल्म बनाया था ये फ्रिंजवा के साथ. प्यारे भैया, The young dame and the aangever hadden een relatie met elkaar. Al wat hij zei, dat je dono, kies een bandse patatje la,
कि लौंडा के पास एक फ्रीजेन और है, द यंग दाम ऑफ स्प्रेड सेक्स फिल्म फ्रीज एंड अंडर फ्रॉ। बस ये कुछ बात बना करके लौंडवा के छोरिया का जब दोनों मजा लूट रहे थे तो उसका फिल्म बना लिया। फिल्म भैया प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, समझ जाइए ना, कई एम ने बनाई फिल्म, और फिल्म बना करके भैया फैला दे इसे सगरो ताकि दुनिया देखे कि फ्रिंज और नया फ्रिंजन में क्या तमाशा हो रहा है, है? वो भैया जाकर के नालिश की, द प्रिंसिपल अतूर हेव द यंग दाम आन खोहोजन, और ये बकेंद कर दे इसे कि वही फिल्म फैलाई से उन दोनों का, लैला मजनू का। हाँ, बोले हमें गुस्सा लगा जब हमें पता चला कि हमारे फ्रिंज एक फ्रिंज रखी से, इसी कारण से उन दोनों का फिल्म बना करके और हम फैला दिली देश में। अब देखो ये तो गए सांतो बोमा, अब इनके साथ क्या होती है हम लोग धीरे धीरे हम लोग के समझ में आ जाएगा। दृयंत्र किया रखे यौंग दाम मथुरा डूबे वक्त में चार डाकू उन पर टूट पड़ा, चार डाकू ने उन पर टूट पड़ा भाई जी, डूबे वक्त के बात है। और क्या छीनी से रेक्ट द हाउस कैटिंग फॉर द यौंग दाम वक्त, और कूद करके फिर उसी गाड़ी बैठा डाकू लोग और भाग गया है, जैसे बच्ची के पीछा किया मथुरा डूबे वक्त तक और इनकी गटई की केटी छीन करके वहां से भाग गए हैं। अब देखो भैया यही तो बात है, जस जो आप सोना ओना लाद करके और दाम पर रहेंगे अकेले है, या डाकू लोग ने देखेंगे कैसे चोरी कर सकता, छीन सकते हो छीनेगा। अनफ्रो जो खमीजा लास्ट में बाइसिकल चला करके जा रही थी, खमीजा लास्ट में फिट्स पर जा रही थी, तो अब ये औरत खमीजा लास्ट में रेस्टिंग योहान आदोलोक टेंगस्ट्रास की तरफ जा रही है। दो डाकू ब्रॉफिस में बैठा देख भाई जो क्रोइशे खमीजा लास्ट एंड आफी जबास्त्रात, एक हाथ लफा करके और गटई का केटी छीन लिया बप्पा, रेस्टिंग आंसर दो कॉन्स्टार की तरफ भगा। तो देख ले कैसे कैसे डाकू लोग ने लोग का सामान चोरी करने लगा, डाका डालने लगा भाई जी, है एक जस्ट किया रख फ्रो और द हुक फन जंग का कोंद्र स्त्रात डबुल बैठन व्यक्त, वहां पर डाकुओं ने उनका भी तस छीन करके वहां से भगा है। और तस में कितना पैसा था, 3000 एसएसडी मोबाइल टेलीफोन और अनेक अनेक प्रकार के चीज का कागज पत्र, बस डाकू ने वहां से भाग गया। संदा में बहुत से डाकू पैदा हो गया चाची, ये बात हम बार बार आपको समझाएगा, बहुत चोर अत्यंत चोर देश के अंदर में हो गया है। एयर मार एल कल इन्हें जज के सामने बयान देना पड़ा, रेक्टर मौरीन दयाला के सामने। एयर मार 12 साल से एक औरत के साथ रहता था, दो लड़के हैं, एक 5 साल का एक 10 साल का। इस औरत का हत्या हुई है, हेक्सलाक टॉफर से जेई फंटीन मेस्टेकन टू खबराख, जेई फंटीन मेस्टेकन 17 मरतबा उनकी शरीर में छुरी घोसा गया है या भोका गया है। जब ये उनका पति एयरमार एल गिरफ्तार हुआ तो वो इनकार कर रहा है, वो क्या कहता है, हे फेन दैट द फ्रो जेल्फ मोर थे फप्लीस। रेक्टर बोलत है कि एक औरत
17 मैस्टेगर अपने शरीर में कैसे भोंकेगा भाई। तो यह बात रेक्टर एक मर्तबा सुन चुकी है। 15 मार्च को यह मुकदमा आगे बढ़ेगा जहां पर एडवोकेट भी मौजूद रहेगा। Hey, what for that one more? Doodslag. En het toebrengen van opzettelijke, zwaar lichamelijke letsel. De dood ten gevolg hebbende. Je bole, aurti apne se atmahatya ki hai. Anek anek prakar ke log deswa ghumate kaki. Anek anek prakar ke. Samajh mein na aave hai ki deswa kab sudharega bhai ji. अब बात ऐसे है जनता, हम आगे अखबार के कुछ संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं न। जैसे बंसी खेतियर से बातचीत करने लगी है, शर्मक्का में डीसी कमिश्नर शरीन बंसी दुर्गा फ्रेडाख एक केक पाउडर लेडिंग दो या तीन और पार्लियामेंटारियर राजेंद्र देवी एंड रायोन लेडर मिनिस्टेरी फॉर लैंडबो फिटल फिशरे स्वास्तिका दुकालू, ये सब जब ये बातचीत हुआ तो ये सब साथ थे। बातचीत हुआ है जो एक एक पाउडर जहां सिर स्वाम्प एंड फे एंड वेरक आरम फॉन एल फे फे यहां पर लूस लेडिंग एंड लेडिंग ट्वे आ जहां अफाल कर रहा है और उसके बाद में लेडिंग ड्री बस्पेकिंग हुआ है और वहां पर जो कैनल पेंटन है जो मुसीबतें हैं जिस तरह से टूटा हुआ रास्ता अखरारिस के लिए आने जाने की तकलीफ जो होता है बैरम प्लांटिंग जो अपकाल्फिंग का कारण है वेख फॉर जैकिंग एंड एट केक पाउडर एलफीफे के द्वारा इस वक्त यानी कि वहां पर फोर लिफ्टिंग की शुरुआत हुआ है। अभी अनेक प्रकार के बात भाई भैया और ये सब चीज इसीलिए कि मरम्मत करने के लिए बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए लोग को मदद करने के लिए सहायता देने के लिए ये सब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अपने स्टाफ के साथ लोगों से बातचीत की है। देखिए भाई जी, आज 16 फरवरी है और आप लोग याद कीजिए जब मंदिर बंद है तो घर का दरवाजा त्योहार तो खुला है। आज वसंत पंचमी है और सरस्वती पूजा। भाई जी 16 फरवरी को वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा, हालांकि सरकार इजाजत नहीं देता है कि ज्यादा ज्यादा लोग मिलकर के एक जगह जमा हो, तो यह मौका आप लोग को बनाया है खुद उत्सव मनाने के लिए। आप अपने घर में पूजा पाठ में भाग ले सकते हैं, सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी, ये जो धर्म का जो उत्सव है आप लोग को इसके बारे में जिक्र करना चाहिए। इसके बारे में पंडित बुला करके या अगर आपको ज्ञान है तो आपको पूजा पाठ खुद करना चाहिए, क्योंकि कोविड 19 के वजह से इंसान को हर एक चीज से होशियार रहना चाहिए। कहीं ना कहीं गलत होकर करने से बीमारी फैल सकता है बस मैटिंग। तो सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी आप लोग के लिए बताया गया, यही आज आज रात के आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। मुझे पता चला भाई जी, सूरीनाम के जनता, देश के तमाम निवासियों, बेस होल्डर्स पीएल बेस होल्डर्स एक पीएल रेट
अब 10 से लेकर के 12 एसआरडी के मांग ये लोग ने करने लगा है, 10 से लेकर के 12 एसआरडी। भैया जी इतना बेस, इतना बेस और तेल महंगा होते जा रहा है। विश्व देश के अलंग से रवीन बैजनाथ जी, इनका कहना है और बाहर वालों को भी जिक्र की है कि कमाई ना हो रहा इस वक्त, इसी कारण से एन रेट 3 तत्व में 12 में होना चाहिए और कम से कम रखेरे को यह फैसला लेना चाहिए। शोल्ड टेफे एंड फिजिक ऑन द वे इस वन स्टार्ट 15 फरवरी से शोल्ड टेफे जो 9:30 बजे से शुरू होता है कनाल 12 पेंटवे पर, और वैसे ये स्कूल में भी बच्चों बैठ करके और सबक हासिल करने लगा है। देखो भैया डॉक्टर लोग अपना काम करते रहता है और अनेक अनेक बात लोग करते हैं, इस तरह से कैंसर पेशेंट उनके बारे में कोई जिक्र करता ही नहीं ना, कैंसर के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। हर एक पेशेंट कोई न कोई बीमारी है, एपिलेप्सी जैसे, डायबिटीज, तो तरह तरह के बीमारी लोग हैं, कैंसर पेशेंट, निर्डायलिसिस पेशेंट, हर तरह के पेशेंट है, लेकिन लोग बात करना नहीं चाहते हैं। देखिए बात करते हुए, बात करने में या बात करते हुए ये जो मुसीबत है, बोझा जो है सर पर, ये हल्का हो जाता है। लोग को अपने बीमारी के बारे में बात करना चाहिए, हर एक को अपने बीमारी के बारे में, जैसा से कैंसर पेशेंट हो, निर्डायलिसिस पेशेंट हो, आगे चल करके एपिलेप्सी, डायबिटीज, इन तमाम लोग को, स्टेम कैंसर पेशेंट नॉरिस को हो, तो इसी कारण से लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए और बातचीत भी करना चाहिए, बोलना चाहिए। रवीन परमेश्वर एनडीपी का फ्रैक्सी लेजर, उनका कहना है कि पार्लियामेंटेरियन अश्विन अधीन जो फिर प्रेसिडेंट था पुराना, अपना कारोबार शुरू कर दिया है। उपवास सभा में उपस्थित रहेगा क्योंकि अश्विन अधीन कुछ समय कुछ बीमार से था, लेकिन अब ये सभा में उपस्थित रहेगा, उपवार फरखादरी में आएगा और बाकी जितने फरखादरी है उसमें भाग लेगा। रवीन परमेश्वर जो फ्रैक्सी लीडर है एनडीपी का। हम आगे चल करके प्यारे प्यारे जनता, अब हम आपको क्या बात करें, तारीफन स्टेलसल तस The Telecommunication Authority of Suriname TAS बकेंट मार्किंग किया है कि नया तारीफ से शुरू करने जा रहा है TAS। भैया जी TAS के तो आप जानते हैं तरह तरह के, जिस तरह से टेलीकॉम और मोबाइल डिस्टन, मैरिटाइम, ग्रैटलोस नेटवर्कन, फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, रेडियो सेंट अमेटर, माइक्रोवेव, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो अमरूप, टीवी अमरूप, टेलीविजन, टास के नीचे भी है कॉल सेंटर्स, साइबर कैफेज, टास मिनिस्ट्री फॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म और पार्टिकुलर को राय देता है। नया तारीफ जेंटजीन ऑफ द वेबसाइट फॉर द टास ऑफ
10 SR, 10 SR, जितने टेलीविजन रेडियो इनों का नया तारीफ और पैसा लगेगा, क्योंकि टस ने नया तारीफ स्टेलसल ऐलान कर चुका है, जैसे मैंने भी आपसे कहा है। कैफे रेडियो सब जगह के हर एक के पैसा चढ़ गया है। मैं मुबारकबाद देने के जा रहा हूं कुमारी रामनाथ देवी का भूमि देवी के लिए। रामनाथ देवी का भूमि देवी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA का डिग्री हासिल की है। इनका बप्पा के नाम है दुधनाथ प्रसाद रामनाथ, फुआ लीला रामनाथ, पंडित पवन रामनाथ, प्रवेश रामनाथ, भौजाई करुणा रूपराम रामनाथ। मुबारकबाद हो रापर की तरफ से भी रामनाथ देवी भूमि देवी, आपको मुबारक हो, बहुत से बहुत मुबारक हो। हमारे प्यारे जनता, सब लोग अभी तक वही बात करते हैं, 19.5 मिलियन यूरो जो नीदरलैंड का यूस्टिची ये सेंट्रल बैंक के पैसा जो बसलाख में लिया है, 19.5 मिलियन। अब बात तो यही है कि हॉलैंड के मिनिस्टर यहां पर आ चुके हैं बेटवान साथ का, हम लोग के तरफ से भी नई जलात में नया अम्बेसडर बनुम हो चुका है। हॉलैंड के तरफ से सुरीनाम में हॉलैंड का अम्बेसडर, और अभी तक ये मामला 19.5 मिलियन हल हुआ नहीं। लोग जानना चाहते कि वजह क्या है 19.5 मिलियन, ये सरनाम के पैसा, ये पैसा सुरीनाम में हो जाना चाहिए था, बाकी अब तक भैया जी समझ में ना आवत है कि एम्बेसडर्स लोग का काम शुरू हुआ है या काम ना शुरू हुआ है। चले गए तो फर्स्ट लेडी की तरफ से भाई जी वार्ड बोनन, फर्स्ट लेडी मेलिसा संतोखी सनिचरी जो कार्रवाइयां शुरू की है, जो उनको करना चाहिए गरीब जनताओं को सहायता देते हैं। 11 फरवरी को सुरीनाम के जनताओं को द फर्स्ट लेडी का इंस्टीट्यूट गरीब लोगों को जो लोग खस्ते की थी 500 ऐसे दे दिया जा करके। यह परमाणु सेंटर जिनका नाम पहले से जिक्र था, यानी कि सीनियर ब्यूरोक्रेट, तो भाई जी इन लोगों का रजिस्टर किया गया और उन लोगों को 500 जा करके यानी फर्स्ट लेडी के द्वारा उन तक पहुंचाया गया है। चलेंगे भाई जी तो नया एम्बुलेंस के अपडेलिंग, पार्टिकुलर अपडेलिंग है पूर्व दादी वैक में, उसका कल उद्घाटन हुआ है, ग्रैंड ओपनिंग होफ कंट्रोल फन सर्किट सुरीनाम से सेंट्रल एम्बुलेंस डिस्ट। भैया जी ये पार्टिकुलर के है, आप जानते थे भाई जी मिनिस्टर अमर अमाधीन फान फल सुसोम थे प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के कहने पर वहां मुबारकबाद देने के लिए गया है, समझे ना। अब ऐसे ऐसे बात है, अब ये एम्बुलेंस है जो भी लोगों को पहुंचाएगा चिकन हेस एस्ट हिल वगैरह चिकन हेस वगैरह न, तो इसी कारण से ये पार्टिकुलर के कारोबार लीडर में खड़ा हुआ है। NDP अनहंगर्स वे zijn het aan de revolutie verplicht om te blijven strijden। बार बार लोगों ने सवाल किया है कि 25 तारीख को ये नेशनल फेस्टिवल निकाल दिया गया है, 25 तारीख को फेवरी ये नेशनल फेस्टिवल
निकाल दिया गया है। लेकिन आक्सी फोर द सिब्रानो पिके और जो लोग उनके साथ हैं उनका कहना है कि वो रे फिलिची आगे बढ़ाएगा। प्यारे भाइयों, सब लोग यही सवाल करते हैं कि जो मोन्यूमेंट बना है वाटरकंट में वो रहेगा कि सरकार उनको हटाएगा, उसके बारे में भी जिक्र होने लगा है। अनेक अनेक प्रकार के जवाब लोग देते हैं रेडियो के द्वारा इस मोन्यूमेंट के सिलसिले में, लेकिन जब कुछ होगा तो सिर्फ रखेरिंग कर सकता है। ये नया रखेरिंग, नया विचार, अगर वो लोग रेफ्यूलिसी को इकरार नहीं करता है, एरकन नहीं करता है, तो वहां पर कुछ करना चाहिए लोग को। अब देखो कौन सा फैसला नया रखेरिंग, नया सरकार लेता है इसके मुतल्लिक। हम लोग को पता है भाई जी, हम लोग को ये बात मालूम है COVID-19 फैक्सीनेशन फ्रांस खुयाना में वहां पर जैसे होना चाहिए ना हो पा रहा है। खेन अस्त्रा जेनेका फॉर फ्रांस खुयाना, कहीं कहीं पर जो फैक्सीन आया है, कहीं कहीं जिसे हम लोग को अस्त्रा जेनेका फैक्सीन आई से बर्बीज से, और सरकार अभी सोचते हैं कि जब यहां पहुंचेगा वे यहां ओ हम लोग को तुष्ट में देगा तो यहां पर कार्रवाई शुरू हो जाएगा। लेकिन फ्रांस खुयाना में ये अभी मिला ही है एस्ट्राजेनेका। पता नहीं है कि क्योंकि ऐसे पता चला भाई, यहां के बात है ना करते हैं बेचलांत में बुरहान के शस्त्र प्रोसेस को, वहां फैक्शन यानी कि स्पल्टी हुआ, बस दो तीन चार रोज के बाद सब खत्म हो गया, सब राम नाम राम नाम राम के सब भैया प्यारा हो गया। तो इसी कारण से वे यहां ओक आकर के बताना चाहिए ये ठीक है कि ना ठीक है भाई। अगर ना ठीक है काकी तो जबरदस्ती ना करे के चाहिए कि चलो हाँ प्रेक करो। हाँ, अब हम बात करना चाहेंगे आखिरी में हमारे देश के तमाम जनता, बात यह है कि ये जो एलएफएफआई का मामला है, एलएफएफआई के जो मामला है, निकेरी के जितने और खानी साक्षी है वो लोग चाहते हैं कि जब एलएफएफआई का मिनिस्टर निकेरी में जाए तो उन लोगों से बात करें, उन लोगों से बातचीत करें, यानी कि रेस्ट बुरन और खानिसासी, रेस्ट बुरन और खानिसासी से बात करें। और जहीं पर जहीं सुनो जब मिनिस्टर आवे एलएफएफआई तो खेतियर उनसे सहमत नहीं हो पा रहा है। अब पता नहीं है क्यों नहीं। इसलिए भाई जी हमारे देश के जनता निवेदन है कि आप लोग अस्पराग करके बात करो, न कि जब मिनिस्टर दूसरे काम के लिए जाते निकेरी में आप कोशिश करते उनसे बात करने की और बात ना हुआ तो आप उनके बारे में खिलाफ बोलने लगते हैं, यह गलत बात है। आप लोग को ठीक से अस्पराग करो, अस्पराग के मुताबिक जब मिनिस्टर निकेरी में आवे तब उनसे बात करो खेत के बारे में, क्योंकि आप तो जानते हैं कि एक नया एसएमएल का बस्तीर खड़ा हुआ है श्री गंगाराम पांडे जिसका फोर सेटर है, उनको चाहिए और सुख करने के लिए कि एसएमएल में रखेरेंग के कुछ है कि ना है, क्योंकि वैसामा ग्रुप ने सब ले करके कर्जा उर्जा भर करके जनता को देश में लिया और अपना काम शुरू कर दिया है। यानी कि जो इस वक्त एसएमएल है नया एसएमएल, उन्हें चाहिए उन चीजों के तलाश करने के लिए
जो सरकार का इस वक्त है, और जो सरकार के पहले था वो तो सामा ग्रुप ने खरीद लिया है, कर्जा भी ले लिया उस पर, अनेक अनेक प्रकार के चीज हो रहा वाहनगिर में। भैया जी, ये नया जो एसएमएल का टीम खड़ा जो हुआ है, जिसमें रशीद दुखी साहब जी है, जिसमें भी इमरो मंगली जी है, अब देखो कि ये बशीर कितना समय में एसएमएल को सामा ग्रुप से निकाल करके और फिर से सरकार के हवाले करता है, यही सबको इंतजार कर रहे हैं। भाई जी, आप लोग हमारे देश में जो रहते हैं, हम लोग को तरह तरह के मुसीबतें हैं देश के अंदर में। जब देश में पैसा नहीं है तो सरकार कहीं से कहीं पैसा के तलाश में है, खोजबीन कर रहा है। एक इन्वेस्टरिंग से समस्या जो तैयार हुआ, इन्वेस्टरिंग के लिए, क्योंकि सूरीनाम में और कितने इन्वेस्टरिंग और खानी साक्षी है, उनसे पूछा जाओ कि कौन ऐसा इन्वेस्टर्स के आप ले लो सूरीनाम में, तो वो आपको नहीं बता पाएगा। ये सर्फिंग के बारे में आज हैशो वक्त फरखादरे में फैसला हुआ है कि अगले हफ्ता गुफ्तगु किया जाएगा, पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, सवाल उठेगा, हर एक को मौका मिलेगा सवाल करने के लिए और रखेरिंग उनको अंतर देगा। भाई जी, देश चलाने के लिए जब एक देश में पैसा नहीं है तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता है। इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, और जो और खानी सासी इन्वेस्टर्स को ला सके तो उनको लाना चाहिए। मैं आज आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अगले प्रोग्राम में हम आप उससे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरीनाम और नीदरलैंड से चार भाई चार बहन सुमाई सुख के साथ सूचना दे रहे हैं कि सुख फ़रवरी की 12 तारीख को 71 साल की उम्र में चार भाई चार बहन सुमाई का भाई चार छोटकी के बड़कू दो बहनोई का सार सभी लड़कों का मामा काका और दादा स्वर्गीय रामबाली सुमाई स्वर्गीय सुमाई चंचल का बेटा स्वर्गीय सुंदर प्रसाद सुमाई स्वर्गीय रामचरण सुमाई स्वर्गीय बिसुन सुमाई और स्वर्गीय बच्ची कालीचरण सुमाई का भाई स्वर्गीय तीन भौजी का देवर स्वर्गीय तीन बहनोई का सार श्रीमान धर्मपाल सुमाई के मृत्यु हुई है। सूरीनाम में रामबाली सुमाई वैख नंबर 23 के रहने वाले थे। अर्थी सुख फ़रवरी के 19 तारीख सूरीनाम में लाया जाएगा। शनिचर फ़रवरी के 20 तारीख सुबह में 10 बजे से रामबाली सुमाई वैख नंबर 23 पर रखा जाएगा। 12 बजे रामबाली सुमाई वैख नंबर 23 से उठाई जाएगी और दिन में 2 बजे वैख नरसी पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। मिस्टर पे चांदी शव वैख नंबर 64 बे से श्रीमती सरस्वती रामदयाल दुखरन सोख के साथ सूचना देते हैं। सुख फ़रवरी की 12 तारीख को 60 साल के उम्र में श्रीमती सरस्वती रामदयाल दुखरन का पति मारिया माधवी और सुनैना का पिता स्टैनली जूरी और रॉबर्ट बिहारी का ससुर
मिस्टर पेचांडी शौवेख नंबर 64 के रहने वाले श्रीमान अल्फोंसस छेदी रामदयाओ की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग भाइयों और लूलू के नाम से ज्यादा जानते थे। डी एंड डी का खोपेंशु निर्द था। बीफे फेब्रुवरी की 18 तारीख अर्थी देखने का मौका सुबह 9 से 10 बजे तक वेखनार सी पर और 10 बजे वहीं पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। नई दलांत रोटरडाम से श्रीमान दिलीप सुमाई सुख के साथ सूचना देते हैं। सुख फ़रवरी की 12 तारीख को 71 साल की उम्र में श्रीमान दिलीप सुमाई का भाई श्रीमती के बड़कू काजल और आकाश का दादा श्रीमान धर्मपाल सुमाई के मृत्यु हुई है। सुरीनाम में रामबली सुमाई वैख नंबर 23 के रहने वाले थे। शनिचर फ़रवरी के 20 तारीख अर्थी सुबह में 10 बजे से रामबाली सुमाई वैख नंबर 23 पर रखा जाएगा। 12 बजे रामबाली सुमाई वैख नंबर 23 से उठाई जाएगी और 2 बजे वैख नारसी पर दाह क्रिया की जाएगी। मालूम होना चाहिए सुख फ़रवरी के 19 तारीख अर्थी सुरीनाम में लाई जाएगी। तमाम परिवार हेती प्रेमियों को खबर दी जाती है। नई दलांग देन हाग और सुरीनाम से श्रीमती सुनीता मुरली रामसुभाग सुख के साथ सूचना देते हैं। एतवार फ़रवरी की 14 तारीख को 69 साल के उम्र में श्रीमती सुनीता मुरली रामसुभाग का पति राजेश चंद प्रिया और दामनी का पिता श्रीमान कृष्णादत्त मोहन मुरली और श्रीमती कुंती जयकरण का बेटा नई दलांत देनहाग के रहने वाले श्रीमान ब्रह्मानंद मुरली के मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ब्राम के नाम से ज्यादा जानते थे। सुरीनाम में लारी कोवेख सारामाका के रहने वाले थे। सुख फ़रवरी की 19 तारीख अर्थी नई दलांत में दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। सुरीनाम और नई दलांत से धीरज सुमाई और बाकी लड़के सुख के साथ सूचना देते हैं कि सुख फ़रवरी के 12 तारीख को 71 साल की उम्र में धीरज सुमाई विनोद सुमाई सरोज सुमाई गायत्री ज्वेर सुमाई और उषा रामावतार सुमाई का पिता रीना सुमाई जियावन रेखा सुमाई महातन रिशाना सुमाई मिर्ची क्रिस रामावतार और खैरार्त ज्वेर का ससुर लड़कों का आजा नाना और ननुआ ससुर श्रीमान धर्मपाल सुमाई के मृत्यु हुई है। सुरीनाम में रामबली सुमाई वैख नंबर 23 के रहने वाले थे। अर्थी सुख फ़रवरी की 19 तारीख सुरीनाम में लाई जाएगी और शनिचर फ़रवरी के 20 तारीख सुबह 10 बजे से अर्थी रामबली सुमाई वैख नंबर 23 पर रखा जाएगा। 12 बजे रामबली सुमाई वैख 23 से उठाई जाएगी। 2 बजे वैख नारसी पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों को खबर दी जाती है। कमोवेन सांसूसी किलोमीटर सरे 21 से श्रीमान आंद्रेयास रामदयाल सुख के साथ सूचना देते हैं। सुख फ़रवरी की 12 तारीख को 60 साल की उम्र में श्रीमान आंद्रेयास रामदयाल का भाई श्रीमती रोसिता रामदयाल पतादिन के बड़कू 4 लड़कों का दादा एक दामाद दो पतों का ददवा ससुर 3 लड़कों का आजा एक लड़का का नाना मिस्टर पे चांदी शौवेख नंबर 64 के रहने वाले श्रीमान अल्फोंसस छेदी रामदयाल की मृत्यु हुई है।
इन्हें लोग भाइयो और लूलू के नाम से ज्यादा जानते थे। जीवन में पेंशनर था दी एन दी का अर्थी बी फे फ़रवरी की 18 तारीख देखने का मौका। सुबह 9 से 10 बजे तक वह नरसी पर और 10 बजे वहीं पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार हेति प्रेमियों को खबर दी जाती है। Wij zitten hier vandaag in de studio van RBN met maar liefst 2 Sagers. De cameraman is Sager en onze gast is ook Sager. Voor we gaan kijken en luisteren naar Sager, wil ik natuurlijk een woord van dank richten aan al onze fantastische adverteerders. Welkom in de studio, Sager Kandhai. Wie is Sager? Dankjewel Fausha. Mijn naam is Sager Kandhai, woonachtig in district Saramaka, resort Groningen. Ik ben een jonge kerel van ampertjes 30 jaar en ben op dit moment student op het UNASAT richting bedrijfskunde. Nou, dat is Sager Kandhai uit Saramaka, Groningen. En ja, ik zou zeggen, vandaag is het Saramaka versus Komohene. En we gaan luisteren, we gaan babbelen met Sager. Sager, je hebt een lied gezongen. Je hebt zoveel liederen gezongen. Welk lied zou je voor ons nu willen zingen? Ja, inderdaad. Ik heb enkele liederen gezongen. Die zijn ook te vinden op YouTube. En om nu misschien een lied voor jullie te zingen, dan heb ik eentje op dit moment. Misschien kunnen we dat gezamenlijk doen. En ik zou dan willen beginnen met Ik Ajinami bijvoorbeeld. Of jij zingt jouw lied en je stopt en dat woord waarmee je stopt neem ik op en dan begin mijn lied daarmee. Oké, kunnen we ook proberen. Zal ik dan beginnen? Oké. Ik Ajinami Hasina se Yomulakat Hogei. Oké, ik ben geen zangeres zoals hij zo'n goede zanger is, maar ik zal het toch proberen. Ye, hoge ye, toch? Ye, sama, sama hai pyaar ka, kisi ke intezaar ka. Als je in een zwembad zou mogen springen, waarmee moest dat zwembad gevuld zijn, behalve water? In een zwembad springen, normaal is het gevuld met water, maar ik zou graag in een zwembad willen springen. Vol liefde. Vol liefde, wauw. Jullie zijn allemaal zulke eerlijke, goedhartige mensen. Deze keer zou ik in een zwembad willen springen vol met papieren bankbiljetten. Echt wel. Maar goed, misschien in mijn dromen. Hè? Ik heb zoveel plannen met dat geld, vandaar. Sager Kandhai. Ken je de toenmalige minister Kandhai van Openbare Werken? Ja, die ken ik heel goed. Hoe komt het? Zijn jullie familie? Ja, we zijn families van elkaar. Oké. Nou, van hieruit de groetjes aan de heer Ganesh Kumar Kandhai en zijn familie. Nou, Sager, heb je nog een ander nummer die je ten gehoor wil brengen? Ja, als volgende nummer. Dan ik ga weer een ander lied nu zingen. Ik zal dat eindigen met het woordje en dan spring jij in om te kijken hoe jij welk liedje in mind hebt. Akkoord. Oké, dan beginnen we met Jab koi baat bigad jaye, jab koi mushkil par jaye, tum dena saath mera. Mera dil bhi कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है वैसे सिटिंग हियर इन द स्टूडियो मैट सागर कंधाई द सिंगर केक आई बी गेन सिंगरेस Maar ik durf wel te zingen, want dit is echt Komohene versus Saramaka.
Sagar, kom op man. Zing weer iets voor onze geweldige kijkers. Oké. Dan zal ik mijn eerste cover zingen dat ik heb opgenomen. Ik denk ampertjes 3 jaar terug. En dan ga ik dat zingen en dan gaat de presentatrice Fausia ook mee helpen zingen dit keer. Ye raate ab nahi dhadakti din bhi saanse nahi lete ab to aa jaao mere sohneya baate reh gayi adhuri mere labon pe zaruri aankhe sun jaao mere sohneya tere bin main yun kaise jiya kaise jiya tere bin. Ik weet dat ik geen partij ben, maar ik durf het wel hoor. En ik zeg, iedereen moet het gewoon een keer doen. En voor Sagar, de volgende vraag. Sagar, heb jij ooit iets ergs meegemaakt in je leven? Iets ernstig in mijn leven? Nee, ik heb dat niet meegemaakt en ik zou dat ook niet willen meemaken. Dus nee, antwoord is nee. En misschien aan jou de vraag, heb jij misschien iets in je leven meegemaakt, in je jeugd, waarvan je zou zeggen van nou, dit is wel even schrikbarend. Ja, ik heb zoveel gekke, rare dingen meegemaakt, maar iets dat me echt een hele poos heeft bezig gehouden. Ik was nog geen 10 jaar hoor, ergens tussen 5 en 10 was ik. Toen een tante van mijn moeder overleed. En we kwamen er best wel vaak tegen. Waarschijnlijk is dat de reden geweest dat mijn moeder me echt naar die begrafenis heeft meegenomen. Want ik, als je het mij vraagt, moet je kinderen niet zomaar naar een begrafenis brengen. Ze heeft me meegenomen. En ik weet, ik ken die vrouw. Ik kwam er bijna elke week tegen. Het was een blanke vrouw. Maar ik was nooit van mijn leven naar een begrafenis geweest. Daar sta ik dan voor die kist. En ik kijk en ik zie een hele donkere vrouw. En ik kan me nauwelijks voorstellen. Ik schrik verschrikkelijk ervan. Want het was echt voor het eerst dat ik een lijk zag. En nog erbij, je zegt me dat zij is overleden. Maar wat ik daar in die kist zie. Ik schrik vreselijk en ik vraag aan mijn moeder. Weet een kindervraag, weet je, hoe komt het dat ze zo is geworden? En toen bleek, dus mijn moeder vertelde, ik hoorde ook die mensen praten, dat ze een aanval heeft gehad en dat ze door die aanval zo is geworden. Wel, ik kreeg de schrik van mijn leven. En ik ga jullie straks vertellen hoe dit me heeft achtervolgd. Sagar, uit welke film zijn die 2 liederen trouwens die je hebt gezongen? Je raadte is afkomstig uit de film. Je raadte, ik ben de naam van de film even kwijt. En de zanger? Ik denk als het goed is van Arijit Singh moet het zijn hoor, maar ik ben niet zo zeker. Je bent dus een fan van Arijit Singh. Ja, en die maar ik andere? Ben echt even vergeten, dus hou me even ten goede. En die andere is Ek Ajnabi. En dat is van, hoe heet die, is een geweldige zanger. Dat is een hele oude. En die film? Kayamatse Kayamatak. Nou, je doet het heel goed. Kayamatse Kayamatak heeft heel veel hits, toch? Die nog steeds zo goed in de smaak vallen. Opgeleverd, geweldig. Oh. Mooie smaak en goede stem, moet ik zeggen. Dankjewel. Ja. Ja, en dan Fausia, misschien kan jij dan je verhaal nu even afmaken waar wat je daar net aan het vertellen was. Ja, dus ik schrok zodanig van dat lijk dat ik de komende weken of dagen, weet je, voor mij leken het wel jaren hoor, maar het zal wel geen jaren hebben geduurd, maar ik had haast elke avond een nachtmerrie over haar en over haar huid, weet je, dat ik zo ben geschrokken, waarschijnlijk de schrik heeft me getraumatiseerd, maar ze zeggen ook, mensen praten van ja, een lijk vindt het nooit leuk. Misschien heeft het niet leuk gevonden dat ik ben geschrokken of dat ik een opmerking heb gemaakt of opmerkingen heb gemaakt. Maar geloof me, ik had zoveel nachtmerries
daarover. Mm-hmm. Dat het een hele schaduw heeft geworpen over mijn jeugdjaren. Of over een deel van mijn jeugdjaren. Ik speelde graag buiten, maar als het 6 uur werd of 6:30 en het werd donker, dan kreeg ik een angstgevoel, bekroop mij van hé, ik ga straks weer dromen als ik ga slapen. Welkom terug in de studio van Airbnb met Sagar Kandhai. Sagar en Sagar. Sagar Rawat en Sagar Kandhai. Sagar Kandhai, welk ander nummer ga jij voor ons zingen? Oké, dan gaan we verder met nog een nummertje. En dat is... Laat ook kijken, ja. Gazab ka hai din, socho zara. Ye diwanapan, dekho zara. तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुम से अब ये प्यार न होगा फिर हम से Heb ik een vraag voor jou, Fausia? We hebben gezien recent of een hele post op social media rassenhaat. Dat er een verdeling is tussen verschillende rassen. Wat is jouw mening met betrekking tot rassenhaat in Suriname? Ik ben een felle tegenstander daarvan. Ik ga jou mijn ervaring ga ik vertellen over dit van rassen. Kijk, ik ben opgegroeid in een buurt waar meer Hindustanen en Javanen zijn. En zo ook op die school waar ik zat. Maar toen ik op de middelschool zat, kwam ik op een school waar er ook veel andere groepen had. Je had Kriolen. Ja. In de eerste klas, kijk, je komt uit een buurt. Ik was gewoon een sufferd. Een echte bubbel die ook nog vaak werd geplaagd. En ik kon echt niet op tegen al die plagerijtjes, dus ik was heel vaak het slachtoffer. In de tweede kreeg je pas Spaans, toch? In de tweede kreeg je op de middelschool Spaans. En die Spaanse vrouw was echt een flinke dame, een Creoolse vrouw. En God alleen weet waarom zij mij verplaatste. En zij zette mij in de buurt, in de klas. Waar je voor, achter, links, rechts Creoolse kinderen had. En ik kwam plotseling te zitten tussen Creolen en ik als bobo, echte sufferd, ik moest even wennen. Maar geloof me, deze handeling van die juffrouw heeft mijn leven voor de rest veranderd. En ik ben haar tot nu toe dankbaar daarvoor. En niet alleen haar, maar ook die kinderen tussen wie ik zat. Ik ga jullie straks vertellen waarom. En dan gaan we nu verder luisteren naar Fausia, zodat ze haar verhaal kan afmaken. Dus toen ze me verplaatste, een grote bobo, waarschijnlijk had ze dat ook door, dat ik een sufferd was. Dat ik daar niet thuis hoorde, dat ik op een andere plek moest zitten. Toen kwam ik dus tussen hele flinke kinderen te zitten. Bijna wil ik zeggen drukke kinderen. Maar vanuit mijn perspectief, ik vind ze niet druk. Ja. Het waren Creoolse kinderen en ze waren super. Super flink. En ik was een hele rustige nerd die altijd alle huiswerk had gemaakt, alle sommen begreep en echt alles in mijn schrift had. En dat vonden ze waarschijnlijk fijn, want ze konden dan mijn sommen lenen, mijn schriften lenen en ik werd heel goed behandeld door hun. En geloof me, als iemand me durfde te plagen, had ik zoveel advocaten. Nooit meer is het voorgekomen dat iemand op die school of uit die klas me heeft geplaagd. Omdat zoveel mensen voor me in de bres sprongen. En het waren diezelfde Creolen die dat voor me deden. En ik werd dankzij hun en hun gezelschap, hun nabijheid, werd ik zo flink. Dat er niets meer overbleef van die sufferd die ik was. Die bobo is gewoon verdwenen. En dankzij die plek, dankzij die juffrouw die me heeft verplaatst. En dankzij die kinderen tussen wie ik zat, werd ik een flinkerd. En ik durfde te praten en ik had altijd goede cijfers voor spreekbeurten. En nooit meer heeft iemand me geplaagd. Ik was nooit meer het slachtoffer op school.
tot op de dag van vandaag. En daarvoor ben ik ze dankbaar. En het waren Creoolse kinderen. Dus als je me zegt, discriminatie en rassenhaat, ik ben een felle tegenstander ervan. Want ik vertel je mijn verhaal vanuit mijn perspectief. En het heeft mijn leven heel gunstig beïnvloed. Luister zeker naar die clips, die videoclips, die nummers die Sagerkant hij ten gehoor heeft gebracht. Ze zijn allemaal te beluisteren op YouTube onder zijn naam Sagerkant hij. En Sager, ik heb me laten vertellen dat je bezig bent aan je derde clip. Klopt. Ja, dus die informatie is snel naar buiten gekomen. Ik ben inderdaad bezig met mijn derde opname. Die komt, als ik het goed heb, over 2-3 weken ga ik hem naar buiten gooien. En ik zal een stukje ervan doen en dan gaan we het weer zoals eerder samen doen. En mijn volgende nummer is Dilkadaria Behigaya Ishke Ibadat Banigaya Khudko मुझे छोड़ ही है तेरे गर्म सांसों मेरे रात और दिन महकने लगी है एक फिन दैट ये हेल मोय कैन सिंग Ik droom ervan om ook zo te kunnen zingen ooit. Vooral als ik kijk naar Shreya Ghoshal. Ja. De dag dat ik zo kan zingen, ik geef de hoop nog steeds niet op hoor. Want dromen, iedereen mag dromen toch? Ja, precies. Maar de dag dat ik zo mooi kan zingen, gaan we een duet samen doen. Dus dat wilde ik net gaan zeggen. Dankjewel voor de complimenten dat ik goed kan zingen. Maar je bent ook niet achter. Misschien dat we in de toekomst een duet kunnen gaan doen. Afgesproken. Ik ga heel hard oefenen. Bij elke opname, bij elke uitzending van de Hitparade ga ik oefenen. En dan krijg ik feedback van de kijkers. Als ik al goed ben op het niveau waarbij ik zeg, ik kan zeggen, ja, Sagan, let's shoot. Precies. Nou, ik weet zeker dat jullie hebben genoten van deze clips. Maar meer nog van Sagerkant hij. Ik ben je heel dankbaar voor alles wat je met ons hebt willen delen. En ik ben heel blij dat ik heb kunnen babbelen na langer dan 10 jaar, toch? Klopt. Het is misschien 12, 13 jaar geleden. Ik ben blij dat we hebben kunnen babbelen zo live, Sager. En ja, ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting. Precies. Sager, heb jij een boodschap als afsluiting? Ja, zeer zeker. Ik ben u natuurlijk ook dankbaar dat ik vandaag hier mocht zijn. Het was mij een eer om ook hier in de show, in je programma te zijn. En een boodschap aan de kijkers, stay safe, be healthy. Draag je mondkap, hand sanitizers vooral, want we leven in een COVID-pandemie momenteel. En let goed op jezelf, kijkers, en blijft u afgestemd. Er komen meer de projecten van mij naar buiten. Dankjewel. Nou, Sager, heel veel succes met alles dat je doet. Zet hem op en maak er het beste van. Wij volgen jou en wij wensen jou het allerbeste toe. U bent afgestemd op Rapas Broadcasting Network, kanaal 5.1. Mijn naam is Fosia en tot de volgende keer. Personen die zich de afgelopen periode hebben aangemeld bij huisartsen met vervallen BASO- en BZV-kaarten zijn weggestuurd, terwijl de regering bekend heeft gemaakt dat vervallen kaarten geaccepteerd moeten worden. Er is nog steeds veel onzekerheid bij verzekerden over de garantie van gezondheidszorg. Veel personen die in november, december en januari hun ingevulde registratieformulieren hebben gedeponeerd bij de diverse wijkkantoren, hebben nog steeds niets van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vernomen. Deo Charman, arts tevens vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, keurt deze werkwijze van bepaalde artsen en SOSAVO af. De hele registratie gaat een beetje klungelig aan toe. De mensen die moeten registreren deponeren hun stukken in een gesloten envelop, maar ze krijgen niet eens een bewijs van registratie of herregistratie. Ik heb er geen goed woord over, zegt Charman,
aan Dagblad Suriname. Het blijkt dat beginnende leerkrachten over de eerste 3 maanden niet worden uitbetaald. Hiertegen merken de leerkrachten op dat zij in de problemen komen, omdat er ook vaste lasten zijn die ze moeten betalen. Het woon-werkverkeer speelt ook een rol, omdat dit niet gratis is. Het is mij niet bekend waarom deze regel er is, zegt een leerkracht. Een andere leerkracht merkt ook op dat zij niet zo blij is met deze regel. Want als je geen andere bron van inkomsten hebt of alleenstaand bent, dan moet je wel 3 maanden zien te overbruggen. En hoe doe je met eten en drinken of met je kinderen? Wanneer je direct verdient, is het leven een stuk draaglijker, merkt zij tegenover Dagblad Suriname op. In totaal hebben 30 bedrijven interesse getoond voor de consultancy services bestaande uit een haalbaarheidsstudie en gedetailleerde ontwerpen voor de bouw van een brug over de Corantijnrivier die ons land met Guyana zal verbinden. Bedrijven hadden tot 15 februari om hun documenten in te dienen. Guyanese media melden dat bedrijven uit Nederland, Turkije, Verenigde Staten, Korea, Brazilië, Mexico, Japan, Italië, India, Spanje, Suriname, Filipijnen, Canada, Dubai, China, Guyana, Trinidad en Tobago en Libanon voorstellen hebben ingediend. Een deel van de ingediende voorstellen betreft joint ventures. Via de met Suriname ondertekende bilaterale samenwerkingsovereenkomst, via een gezamenlijk proces, zal de succesvolle bieder worden geselecteerd. Afgelopen maandag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, groen licht gegeven voor 2 van de AstraZeneca-producenten, India en Zuid-Korea. Volgens minister Amar Ramadien van Volksgezondheid kan met deze goedkeuring Suriname dan starten met het vaccineren van personen tegen het COVID-19-virus. Op dit moment heeft het land 1000 doses van het AstraZeneca-vaccin afkomstig van het Serum Instituut of India binnen. De laatste training wordt het komend weekend afgerond. Dus we hopen maandag aanstaande de eerste vaccinatie te doen, aldus de bewindsman. In het kader van een schoon milieu heeft districtscommissaris Suraksha Hirasingh van Wanika Noordwest op maandag 15 februari een kick-off gegeven voor een bewustwordingscampagne voor burgers om hun bermen en lozingen zelf schoon te maken en te onderhouden. Deze campagne wordt gedaan door de bestuursambtenaren en resortsraadleden in samenwerking met de burgers van het desbetreffende resorten. Een aftrap hiervoor is gegeven op maandag 15 februari in het resort Quatta, aan de Sitaweg en daarna de Amarnathweg. Samen met haar team is de burgermoeder persoonlijk toegestapt naar de burgers om hun erop toe te wijzen hoe belangrijk het is om hun bermen en lozingen voorlangs hun huis tijdens schoon te maken en welke gevolgen het heeft wanneer dat niet wordt gedaan. De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh, heeft de ambassadeur van Indonesië in Suriname ontvangen. Tijdens het onderhoud heeft een uitwisseling van gedachten plaatsgevonden over de arbeidsmarkt. Ook zijn er mogelijkheden besproken om de relatie tussen Suriname en Indonesië te versterken. De ambassadeur gaf aan dat er samen nagegaan moet worden op welke gebieden de relatie uitgediept kan worden. In dit kader heeft hij voorgehouden dat de mogelijkheid bestaat voor een uitwisseling van arbeidskrachten in beide landen. Ook heeft hij de uitdagingen van de arbeidskrachten van Indonesië in Suriname gedeeld met de bewindsvrouw. Hoe is het gesteld met fietsen in deze coronatijd? Dagblad Suriname vroeg het aan fietshandelaar Vincent Moko van Surinet Fietsen. Hij merkt op dat de klanten de weg naar zijn winkel weten te vinden. Zowel mensen die een fiets willen kopen als fietsenbezitters die voor reparatie langskomen. Het fietsen is niet gebonden aan leeftijd. Jong en oud komen langs. Wel is opvallend, zegt de handelaar, dat de meeste mensen niet langskomen om een fiets te kopen om te gebruiken als sportmiddel, maar eerder voor het woon- en werkverkeer. De mensen zoeken over het algemeen naar een vervoersmiddel voor het werk. De bekende stagiaires die voorheen het straatbeeld van Paramaribo vulden, zijn verdwenen. Dat is echt voorbij, merkt Moncoa. De eerste fase van de online registratie voor COVID-19-steun is voorbij.
Degenen die behoorden tot de eerder aangegeven categorieën hadden de mogelijkheid om zich vanaf 1 februari tot en met 15 februari online te registreren. Alle personen en bedrijven die door de COVID-19-pandemie getroffen zijn en die dat konden aantonen, zijn in de gelegenheid gesteld zich te registreren om na de screening en selectie in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn geweest om zich tussen 1 en 15 februari te registreren, wordt een tweede fase ingelast, welke zal duren van 1 tot en met 7 maart.